देश के हर नागरिक को लगना चाहिए, ये देश मेरा है, इस देश को मुझे आगे बढ़ाना है। समस्या है, कठिनाइयां है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। ये सहा से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसलत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रिविजन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रयोगशाला में अब कॉमन सिविल कोड का परीक्षण करने जा रही है मोदी सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी तेज हो गई। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर सभी से सुझाव मांगे। इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि लॉ कमीशन ने देश के लोगों से समान नागरिक कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे तीन प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वह सामान्य नागरिक संहिता कानून हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना हो, या तीनों वैचारिक मुद्दे हम जो जनता के सामने लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लेकर के जाते थे, वह सारे पूरे कर एक एक करके पूरे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को अचानक बदले से घटनाक्रम लॉ कमीशन कॉमन सिविल कोड पर देश के आम लोग, मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित तमाम संगठनों से एक महीने के भीतर राय मांगी और ये सुझाव ईमेल या एक लिंक के जरिए ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तभी उस संविधान के नीति तत्वों में वर्णन कर दिया था कि सरकारें समान नागरिक संहिता के लिए आगे बढ़ेंगी, कानून बनाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हो पाया। साधुवाद है केंद्र सरकार को जिन्होंने, जिसके विधि आयोग ने इस बारे में अपनी व्यूज मांगे हैं, लोगों की जो इच्छा है, लोगों के जो विचार हैं वो आमंत्रित किए हैं। आशा है कि जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू भी किया जा सकेगा, जिससे देश के अंदर एकता एकरूपता का भाव जागृत हो। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अभी अलग अलग कानून। इधर एक देश एक कानून की कवायद में जुटी मोदी सरकार इस 10 को पुरानी मांग पर भी दांव चलने वाली। वहीं उत्तराखंड और गुजरात जैसे सूबों में भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नजर इनके सुझाव, ड्राफ्ट और पैटर्न पर जमी। वहीं इस मामले पर सियासी संग्राम के सुर भी सुनाई देने लगे। ये राय मांगने का भी ढोंग है, क्योंकि उन्होंने तय किया हुआ है कि हमने करना है और किसी भी कीमत पे करना है। उसमें किसी की राय को कोई दखल मैं समझता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ 2024 का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो दशकों पुरानी कॉमन सिविल कोड की मांग, लेकिन सरकार इस कानून को छूने से डरती रही। बीते दिन अमित शाह ने भी इरादा जताया था, वहीं अब लॉ कमीशन के नोटिस ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया। विपक्ष कह रहा कि ध्रुवीकरण की नई धुरी को धार दे रही है बीजेपी। अब मौजूदा हुकूमत अगर कोई परिवर्तन करना चाहती है तो हवा में हम उनके बनाए एजेंडे पे नहीं काम करेंगे। जब ये प्रारूप के रूप में, कानून के रूप में उसका प्रारूप हमारे सामने आएगा, पढ़ने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हमारी पूरी निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति है और आज जिस रूप में है हम उसका आदर करते हैं। कौन सा कानून अलग है भाई? ये सिविल शब्द है, सिविल। अलग अलग ट्राइब में जाकर देखिए, कोई पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग? कभी देखा है कागज? मतलब कुछ भी बोल दिया, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो,
इसलिए विजुअल्स आ रहे हैं कि उत्तराखंड में दुकानों को मार्क किया जा रहा है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रही है, क्योंकि आप एक में अनेक को नहीं देख पा रहे हो। बहरहा 2019 के बाद मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों को तिलांजलि दे दी। अब 2024 की तस्वीर में कॉमन सिविल कोड पर भी कवायद दिखने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इरादे पर सवाल ये कि कॉमन सिविल कोड की बारी क्या 2024 की है तैयारी। सवाल ये भी कि आखिर एक देश में सभी के लिए एक कानून क्यों नहीं।